हेलो हाँ एवरीवन चुप बैठ जाओ। हाँ साहिल, लास्ट रूल हमने क्या देखा था? असर्टिव सेंटेंसेस के सारे रूल्स लिख लिए थे, उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए थे, कुछ और एग्जांपल्स लिखेंगे अभी, ठीक है? अरे अरे ये रोज का पैटर्न मत बनाने दो कि मैं तुमको कुछ बोलूं फिर तुम चुप बैठोगे फिर कुछ लिखोगे। चुपचाप लिखना शुरू करो। दे सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ये टाइप वन का ही सेंटेंस है, टाइप वन के ही रूल्स उसमें यूज करना है। दे सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव डन अ ग्रेट जॉब फॉर अस टुडे। कंप्लीट कर ले पहले, पूरा सेंटेंस बना और फिर बता। हाँ आप थर्ड बेंच फर्स्ट, आप बताओ आंसर। कितने लोगों को करेक्ट आंसर आ गया? हाँ आप नेक्स्ट टू यू। करेक्ट, दे टोल्ड मी दैट, जब उन्होंने मुझे बोला तो यू बोला, मेरे लिए मैं कौन हूं? आई, तो यू का आई में चेंज हो गया, हैव का हैड में चेंज हो गया, डन अ ग्रेट जॉब जब उन्होंने बोला तो फॉर अस बोला, मेरे लिए वो कौन हो गए? दे, ऑब्जेक्ट में है तो देम, टुडे का टाइम। सिट डाउन। हाँ, शी सेड टू मी आई शैल नेवर हेल्प यू इन योर बैड टाइम। She said to me, I shall never help you in your bad time. ज्यादा से ज्यादा हाथ ऊपर आने चाहिए इतना एक्सप्लेन करने के बाद। फिर से वही रिपीटेडली चार पांच हाथ ऊपर दिख रहे हैं। हाँ वेरी गुड, बोलो। विल कैसे आ गया? शैल का क्या होगा? वुड होगा ना। शी टोल्ड मी दैट शी वुड नेवर हेल्प मी
इन माई बैड टाइम. क्लियर? He will say, I have not done anything. हा last center में जो है जल्दी. आ रहा है क्या आपको? साइलेंस. हाँ, टेल क्यों आएगा वहां पे? लिसनर है क्या? लिसनर नहीं है तो सेड को सेड ही रहने देते हम. ही विल से दैट ही हैजंट. टेंस कहां चेंज कर रहे हम? ही विल से दैट ही हैजंट. हैव का क्या होगा? हैजंट डन एनीथिंग. क्लियर? ही विल से दैट ही हैजंट डन एनीथिंग. आई का ही बन गया इसलिए हैव की जगह क्या आएगा? हैज. टेंस चेंज नहीं हो रहा है उसमें. क्लियर? कोई डाउट? अब ये था टाइप वन. अब शुरू करेंगे टाइप टू. अब टाइप टू के कुछ रूल्स है. पूरे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में टाइप इसकी एक वर्कशीट मैं आपको दे दूंगा जिसमें टाइप वन के ही सेंटेंस रहेंगे. डोंट वरी. अभी देखो, टाइप टू जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है. अगर मैं पेपर सेट करूंगा कभी 12th स्टैंडर्ड का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चों को इजीली मार्क्स मिले, तो मैं सिर्फ और सिर्फ टाइप टू पे ही सेंटेंसेस सेट करूंगा, क्योंकि इसमें है कंफ्यूजन. क्या है कंफ्यूजन वो देखेंगे. पहले लिखेंगे टाइप टू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रूल्स. Said is changed into asked. Said is changed into asked. जैसे टाइप वन में said को काय में चेंज किया था? Told में. यहां पे काय में चेंज हो रहा है? Asked. मेरे हिसाब से जो बोर्ड पे चल रहा है वो लिखना चाहिए आपने.
हाँ हमने पहले भी देखा था डब्ल्यू एच क्वेश्चन कितने टाइप के है, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के है? दो, एक डब्ल्यू एच क्वेश्चन, एक अगर आपको डब्ल्यू एच क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको कॉमा को रिप्लेस करना है वही सेम डब्ल्यू एच वर्ड से, जो डब्ल्यू एच वर्ड दिया है कॉमा को उसी से रिप्लेस कर देना है। कोई डाउट? थर्ड, कॉमा इज रिप्लेस्ड बाय इफ और वेदर, इफ और वेदर। अब देखो ऑप्शन है हमारे पास इफ या वेदर का, लेकिन आप वेदर को भूल जाओ, आप सिर्फ क्या ध्यान में रखो, क्योंकि क्या होता है सबकॉन्शियसली ये जो वेदर की स्पेलिंग है आप कभी कभी मौसम वाले वेदर से रिप्लेस कर देते। अगर ऐसा हुआ और बाकी पूरा आंसर राइट रहा तो भी वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए वेदर भूल जाओ, सिर्फ क्या याद रखना है इफ। समझ में आ रहा है? और ये मजाक नहीं है, ये 12th स्टैंडर्ड के पेपर्स में होता है, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे भी ये गलती करते हैं। एंड द फोर्थ रूल, फोर्थ इंटरोगेटिव मूड इज चेंज इन टू असर्टिव मूड, इंटरोगेटिव मूड इज चेंज इन टू असर्टिव मूड। मूड मतलब सेंटेंस फॉर्म, असर्टिव मूड ऑफ द सेंटेंस, सॉरी इंटरोगेटिव मूड ऑफ द सेंटेंस इज चेंज इन टू असर्टिव मूड ऑफ द सेंटेंस। मतलब क्या करना है हमको, इंटरोगेटिव मूड, इंटरोगेटिव सेंटेंस को काय में चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस में। अब ये कैसे होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में हम कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू पुट योर पेन डाउन फॉर 5 मिनट्स एंड जस्ट पे प्रॉपर अटेंशन ऑन द बोर्ड एवरी वन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये नहीं समझा तो आगे का एक भी सेंटेंस आएगा नहीं। शांति रखो, शांति रखो, अपने कैंपस में चल रहा है। हाँ देखो, अरे आपको जाना है नीचे, शांत रहो। हाँ अरे ओ, क्या है? इडियट्स,
स्पीकर लिसनर, उसके बाद डायरेक्ट स्पीच दिए हुई है, यहां पे स्पीकर लिसनर डायरेक्ट स्पीच दिए हुई है। अब पहला सेंटेंस जो है वो है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, दूसरा सेंटेंस जो है वो है हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, राइट। दोनों देखेंगे हम सॉल्व कैसे करना है। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस जो ये है, यहां पे कॉमा है, यहां पे कॉमा है, अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है तो ये जो कॉमा है ये वाला, इसको कैसे रिप्लेस करना है, सेम डब्ल्यू एच वर्ड, तो वो कॉमा को कैसे रिप्लेस करेंगे, व्हाट से, कैसे रिप्लेस करेंगे, व्हाट से। ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। ये जो कॉमा है उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, इफ या वेदर से, हमने इफ से रिप्लेस कर दिया। अब ये यहां तक का पार्ट पूरा खत्म हो गया। अब देखो ये डब्ल्यू एच वर्ड जो व्हाट था उसको हमने रिप्लेस कर दिया कॉमा से, तो ये भी खत्म हो गया। अब यहां पे क्या बच रहा है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, ये है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दोनों जगह सेम स्ट्रक्चर बच गया, ये स्ट्रक्चर बच गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना वो, उसको काय में चेंज करना है। एनी सिंगल स्टूडेंट जिसको असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता हो, कम ऑन, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो फिर वही बोलना है ना। हाँ, सब्जेक्ट से शुरुआत होगी, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। कोई डाउट, अपने को क्या करना है, ये स्ट्रक्चर को इसमें कन्वर्ट करना है, क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है। मतलब क्या करना है, ऊपर के स्ट्रक्चर को नीचे के स्ट्रक्चर में चेंज करना है। वो स्ट्रक्चर देख के कोई मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत नहीं है, एकदम नेकेड आई से हमको समझ में आ रहा है कि क्या चेंज करना है। क्या करेंगे चेंज, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजिशन चेंज करेंगे। सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजिशन को चेंज करना है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा। अब ये दो एग्जाम्पल जो है ये देखो, स्पीकर asked listener, speaker asked, कॉमा की जगह क्या डालेंगे पहले सेंटेंस में, what, what, you को पहले ले लो, helping verb को बाद में ले लो, what, you are doing here। अब ये जो सेंटेंस है What you are doing here, ये सिंपल सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव को चेंज कर दिया ना असर्टिव में, तो यहां पे फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। अब ये हो गया, सिर्फ इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज किया हमने, अभी टेंस के चेंज बाकी है, प्रोनाउंस के चेंज बाकी है, वर्ड्स इंडिकेटिंग नियरनेस आर चेंज इनटू वर्ड्स इंडिकेटिंग डिस्टेंस के रूल्स बाकी है। जब स्पीकर ने लिसनर को बोला तो यू बोला, हमारे लिए वो कौन रहेगा, वो यू भी रह सकता, शी भी रह सकता, ही भी रह सकता, दे भी रह सकता, और मेरे लिए अगर मुझे बोल रहा है तो आई भी रह सकता। तो जनरल रूल ये है कि अगर यू दिया हुआ है तो यू को यू ही रहने दो, उसको चेंज मत करो। यू का यू हो गया, डायरेक्ट स्पीच में आर है तो इनडायरेक्ट स्पीच में, अगर डायरेक्ट स्पीच में एम इज आर है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा, वॉज वर आएगा, तो यू के साथ वर, तो यहां पे आर की जगह क्या लिखेंगे, कमिंग,
हियर का सपोज वहां स्पीकर में रहता था राम और लिसनर में रहता था श्याम. राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू डूइंग हियर. आंसर क्या बनता था. राम आस्क श्याम व्हाट ही. अब क्या आता था. ही व्हाट ही वाज डूइंग देयर. करना क्या है वो समझ में आ गया. हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशन को इंटरचेंज करके बाकी पूरे रूल्स वैसे की वैसे लगा देना है. इज इट क्लियर. सेकेंड सेंटेंस देखेंगे. राम सेड टू श्याम हैव यू डन योर वर्क. तो राम आस्क्ड श्याम कॉमा की जगह इफ आ गया. यू पहले ले लो हैव बाद में दे लो. तो जब राम ने श्याम को बोला तो यू बोला हमारे लिए वो ही. हैव का हैड. डन जब राम ने श्याम को बोला तो योर होमवर्क बोला हमारे लिए किसका होमवर्क. हिज. ये हो गया हमारा सेंटेंस कन्वर्ट. राम आस्क्ड श्याम इफ ही हैड डन हिज वर्क. समझ में आया. नहीं समझ में आया. यू लास्ट. क्या नाम है आपका. भूल गया मैं. गुनगुन. हाँ बेटा समझा नहीं क्या आपको ये. हाँ वेरी गुड. मुझे समझ में आ रहा था आपकी फेस को देखकर कि आपको नहीं समझ में. क्या नहीं समझ में आपको. नहीं मैंने पहली बोला था ना कंफ्यूजिंग है करके. इसके लिए पूरा प्रॉपर अटेंशन देना था आपने. ठीक है और देखेंगे एग्जाम्पल्स. ये दो एग्जाम्पल लिखे आपने पहले पहले. अरे हाँ ठीक है पहले लिख लो. ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला रूल लिखना. ये जो रूल है ना मार्जिन में कहीं तो लिखो. ये दोनों इंटरचेंजिंग का जो रूल है.
हाँ अभी देखो ये सब लिखने के बाद और एग्जांपल देखते कुछ। हाँ आई सेड टू यू वाई हैव यू बीटन मी। हाँ गुनगुन इधर ध्यान दो। अभी स्पीकर आई, लिसनर कौन है? यू। स्पीकर है आई, लिसनर है यू, समझ रहा? सेड को कैसे रिप्लेस करेंगे? कौन है वो टोल्ड वाला? अबे ओ, तू फर्स्ट बेंच पे बैठा ना रे। आई आस्क्ड यू। अब ये जो कॉमा है इस कॉमा को कैसे रिप्लेस करेंगे? वाई से, क्योंकि डब्ल्यू एच क्वेश्चन दिया हुआ है तो कॉमा को सेम डब्ल्यू एच वर्ड से रिप्लेस करेंगे। आई आस्क्ड यू वाई। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज। जब मैंने उसको बोला तो यू बोला, अब फिर से मेरे लिए वो कौन हो जाएगा? यू का यू ही रहेगा क्योंकि सेकेंड पर्सन है। हैव का हैड, बीटन। जब मैंने उसको बोला तो मेरे लिए मैं बोला, मेरे लिए मैं चेंज होऊंगा क्या? तो यहां पे मी का, सॉरी मी, फुल स्टॉप। आई आस्क्ड यू व्हाई यू हैड बीटन मी। क्लियर? अभी भी नहीं हुआ तो फोर्थ सेंटेंस। दे सेड वर वी प्रेजेंट ऑन द स्पॉट। अब स्पीकर कौन है? दे। लिसनर हमको पता नहीं, तो भी सेड को काय में चेंज करना है। यहां पे नहीं है कि लिसनर एब्सेंट है तो सेड को सेड ही रहने दो। यहां पे स्पीकर प्रेजेंट हो, लिसनर प्रेजेंट हो या ना हो, सेड को आस्ट में चेंज करना ही है। क्लियर? सिंपल सेंटेंस में अगर लिसनर एब्सेंट था तो सेड को सेड ही रहने दिया हमने। समझा क्या? नहीं समझा? मोहतरमा, टाइप वन में जब लिसनर एब्सेंट था तो हमने सेड को टोल्ड में चेंज किया क्या? नहीं किया। वैसे यहां पे नहीं करना है। अगर यहां पे लिसनर एब्सेंट है तो सेड को सेड में नहीं रहने देना है, इसको सेड में अभी टोल्ड आस्क्ड में चेंज करना ही है। समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट? दे आस्क्ड। अब क्योंकि डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं है, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन है तो कॉमा की जगह इफ। जब उन्होंने खुद के लिए बोला तो वी बोला, हमारे लिए कौन हो गए वो? दे। इफ दे डायरेक्ट स्पीच में वॉज वर तो इनडायरेक्ट स्पीच में हैड बीन। इफ दे हैड बीन प्रेजेंट ऑन द स्पॉट। नहीं समझा? कौन सा पार्ट नहीं समझा? हमने टेबल बनाया था टेंस का। डायरेक्ट स्पीच में अगर वॉज वर है तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आ रहा है? देखो क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया?
आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शैल आई क्लीन योर कार. आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शैल आई क्लीन योर कार. कौन बताएगा? हाँ बता. अगर बेटा तूने गलत बताया अब तो तू ध्यान में रख ले. क्या है, अपन ने पास्ट में कोई ऐसी हरकत की रहती है. जिसके परिणाम अपने को समय तक भुगतना पड़ता है. गलती का पश्चाताप करना पड़ेगा. पश्चाताप. हाँ यू लास्ट. एक मिनट. हाँ. इफ आई वुड क्लीन हिज कार. जब मैंने उसको बोला तो उसकी कार बोला. अभी मैं तुमको आके बोल रहा हूं तो अपने लिए कि कौन हो गया वो तो उसकी कार हो जाएगी. उसकी कार मतलब हिज कार. I asked him if I would clean his car. समझ में आ रहा है? कोई डाउट? पक्का? अब एक सेंटेंस देता हूं मैं. I know 3 या 4 से ज्यादा बच्चों को उसका आंसर आ ही नहीं सकता. ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, पता नहीं. अब शो मी योर इंटेलिजेंस. हाँ, दे सेड टू मी. 2 मिनट नहीं, 3 मिनट ले लो, 5 मिनट ले लो. दे सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू लाइक क्रिकेट. मत करो. क्या बात है. 1 2 3 4 5. हाँ बोलो. हाँ आप. इफ ही लाइक्स क्रिकेट. हाँ उधर किसने हाथ ऊपर किया था? हाँ इफ आई लाइक क्रिकेट. हाँ सेम. ये 3 आंसर के अलावा और कोई आंसर है? इफ या वेदर एक ही है ना, उतना ही चेंज किया ना. मतलब इफ आई डू लाइक. हाँ हाँ आपको स्ट्रक्चर तो भी बराबर लग रहा है क्या वो आप जो बोल रहे हो? हाँ आपने हाथ ऊपर किया था ना, वही सेम. हाँ हाँ बढ़िया 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 बढ़िया. मौन रहे. वन. तुमने जो आंसर दिया था वही तुमने दिया था? वही तुमने दिया था? और किसने दिया था सेम आंसर? आपने भी वही दिया था. दिस इज द करेक्ट आंसर. दे आस्क्ड मी इफ I liked cricket. लेकिन अब तुमने आंसर तो दे दिया, तुम चारों में से कौन उसको एक्सप्लेन करके दे सकता है कि वो क्यों आ रहा है वहां पे वैसा? हाँ हाँ
हाँ बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, मुझे पता है इसलिए। शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो समझ लो कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक नहीं, दे आस्क्ड मी इफ, इफ क्यों आए ये समझ गए हमको, क्योंकि यहां पे हेल्पिंग ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। अब हेल्पिंग ऑफ क्वेश्चन को, अगर हेल्पिंग ऑफ क्वेश्चन दिया है तो कॉमा की जगह इफ आ गया। अब सब्जेक्ट और हेल्पिंग ऑफ की पोजीशन चेंज करना है, राइट। तो यू पहले आ गया और डू बाद में आ गया। एक मिनट, लाइक क्रिकेट, ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस में कन्वर्जन, राइट। जब उन्होंने मुझे बोला तो यू बोला, मेरे लिए मैं कौन हो गया, तो ये जो यू है इसकी जगह क्या आ जाएगा, आई। ये जो टेंस है ये कौन सा टेंस है, डायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट टेंस। ये हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन था, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस, ये स्ट्रक्चर में डू डज डिड कहीं भी आया क्या, ये स्ट्रक्चर में हमको डिड का कोई भी काम, इसलिए हमने क्या किया है, ये डू को डिड में चेंज ना करते हुए डायरेक्ट वी वन का क्या लिया, वी टू फॉर्म लिया, इसलिए वो क्या बन गया, आई लाइक क्रिकेट। समझ में आया क्या, ऊपर हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन था, डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन था, डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन था, इसलिए वहां पे हेल्पिंग वर्ब जरूरी था, लेकिन नीचे इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए क्या, ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब है क्या, डायरेक्ट वी टू फॉर्म है, तो हमने क्या किया, ये डू को डिड में ना कन्वर्ट करते हुए डायरेक्ट लाइक का क्या ले लिया, वी टू फॉर्म ले लिया, इसलिए अगर वहां पे आपने डिड लाइक लिखा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझा, कितने लोग हैं जिनको ये नहीं समझा, ईमानदारी से, वेरी गुड। इसका और डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम कल, सेम यही एग्जांपल के साथ और आगे के सेम टाइप के एग्जांपल देखेंगे, लेकिन कल, ठीक है।